आज की हमारी कहानी है, माँ जी आपको शर्म नहीं आती, हर समय बस टीवी देखती हैं। सुलोचना जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति त्रिवेणी जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सुलोचना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज आई और टीवी बंद हो गया। अर्चना जी एकदम चौंक गई, नजर सामने पड़ी तो बहू लक्ष्मी के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। सुलोचना जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ लक्ष्मी, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी, उनको अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि लक्ष्मी की आवाज आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करे। आवाज थोड़ी तलक थी। सुलोचना जी को पहले तो समझ ही नहीं आई कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। त्रिवेणी जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नजर पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है लक्ष्मी मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती है? पापा आपको पता है ना कितना बिजली का बिल आ जाता है, और वह हमें ही भरना होता है, आपको क्या पता? आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर दिन में ऐसा लगता है हमें भी बच्चों का सोचना है, इसलिए आज ये रिमोट मेरे पास रहेगा, 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा, मैं खुद ही आकर चला दिया करूंगी। ये कहते हुए लक्ष्मी रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। सुलोचना जी तो जैसे पत्थर हो गई। त्रिवेणी जी ने पत्नी की तरफ देखा, उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए, कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही सुलोचना जी फूट फूट कर रोने लगी। त्रिवेणी जी ने पत्नी को रोने दिया, पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। सुलोचना जी का रोना अब सिसकियों बदल गया था। त्रिवेणी जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे मग से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। सुलोचना जी थोड़ा प्रकृतित हुई, उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगाकर अखबार आंख बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोल उसकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वो पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के बिना खिजना, बेवजह चीखना चिल्लाना, पहले बेटा आते जाते मिलता था पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। त्रिवेणी जी या सुलोचना जी कुछ पूछे तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने एक दो बार इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम कर दे। त्रिवेणी जी ने सोचा भी कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा, और अब वे मन ही मन अपने साधु साहब को धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी थी। भाई साहब, अपने जीते जी मकान किसी का नाम नहीं करना, वो वसीयत जरूर बना तो, और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी का नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना, आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी उसे इसी मकान के लालच में, और उन्होंने ऐसा ही किया।
यह जरूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी साधु भाई ने दी थी कि औलाद का असली रंग देखना तो झूठ बोलकर देखो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। त्रिवेणी जी ने सिर हिलाया, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। त्रिवेणी जी ने बेटे सिब्बू और लक्ष्मी को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो सिब्बू, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। लक्ष्मी से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। नाना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी को बोलने के लिए आतुर देख त्रिवेणी जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था तो जिंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये दो मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने दो दो ड्यूटियां निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो सुनाती हो लक्ष्मी, तो फिर आज सुनो, घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, कम वाली का, बाई का पेमेंट मैं करता हूँ। पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ, तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहीं जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, सुनो तो, मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में इतना खूब कमाई है, अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो, तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है तो पैसों की तो कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब दे देना, उसी हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है, चलो सुलोचना। कहते हुए त्रिवेणी जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना मैं देखे कि अभी तो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था, उनका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही होता है, तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।